हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कैनेडा में ईरानी मुजाहरीन से इजहार यकजहती। कैनेडियन वजीर आजम के ईरान के खिलाफ मुजाहरे में शिरकत। ट्रूडो ने फारसी जबान में नारे भी लगाए और मुक्का भी लहराया। एनवायरमेंट कैनेडा की जानिब से टोरंटो शहर के लिए फॉग एडवाइजरी जारी। शहर में वक्फे के साथ हल्की बारिश की भी पेशगोई। शहरियों को दौरान ड्राइविंग एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। तालीमी अमले की हड़ताल की धमकी। ऑन्टेरियो के वजीर तालीम का सूबे में कानून साजी मुतारिफ कराने का इरादा। वर्कर्स की यूनियन का कहना है कि हुकूमत का फैसला कम आमदनी वाले मजदूरों पर हमला है। रूस का यूक्रेन से अनाज मुहायदा मौतल करने का ऐलान। मुहायदों पर अमल दरामद और इसमें शिरकत को मौतल कर दिया। अक्वामे मुत्तहिदा का कहना है कि यूक्रेन से अनाज बरामदगी का सिलसिला जारी रहना चाहिए। भारत में कदीम पुल मुनहदिम होने से हलाकतों की तादाद 141 हो गई। 170 अफराद को बचा लिया गया। पुल को मरम्मत के बाद 5 दिन कबल दोबारा आवाम के लिए खोला गया था। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। जस्ट टॉस एन इको फ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनियंट इको फ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। हाइपोएलर्जेनिक, सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन। से नो टू बल्की प्लास्टिक जग्स एंड बॉटल्स। नो मोर मेजरिंग एंड स्पिलिंग। जस्ट वन स्ट्रिप फॉर अ लोड। सिंपल एंड स्क्वीकी क्लीन। Plastic free biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अपनी अहलिया समेत ईरानी मुजाहरों के साथ इजहार यकजहती के लिए मुजाहरे में शिरकत की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अपनी अहलिया समेत ईरानी मुजाहरीन के साथ इजहार यकजहती के लिए मुजाहरे में शिरकत की। जस्टिन ट्रूडो ईरानी हुकूमत के खिलाफ गुज़िश्ता 40 रोज से ईरान में एहतजाजी मुजाहरे करने वालों के साथ इजहार यकजहती करते हुए कह रहे थे कि हम तुम्हारे साथ हैं। उनकी अहलिया ने भी उसी मुजाहरे में शिरकत की और पुरजोश अंदाज में ईरानी खवातीन के साथ इजहार यकजहती किया। वाज़ह रहे ईरान में महसा अमीनी नामी 22 साल एक कुर्द ईरानी लड़की की सर पर हिजाब ना लेने के कानून के खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारी हुई और फिर पुलिस हिरासत में ही उसकी हलाकत हो गई। उसकी हलाकत के दिन 16 सितंबर से ईरान में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। उन मुजाहरीन को अमरीका, कनाडा और यूरोपीय ममालिक की भरपूर हिमायत रही है। उसी हिमायत की वजह से न सिर्फ ये कि ईरान पर मुख्तलिफ तरह की पाबंदियाँ आयद की गई हैं बल्कि ईरान के जौहरी मुहैदे की बहाली के लिए होने वाले मुजाकरात भी मुअत्तल हो चुके हैं। ताहम ये पहला मौका है एक वजीर आजम ने बराह रास्त ईरान में मुजाहरीन के साथ इजहार यकजहती के लिए अपने मुल्क के दारुल हुकूमत में एक मुजाहरे में शिरकत की है और ईरान के खिलाफ खुद सड़कों पर निकल आए हैं। इतवार के रोज कनाडा के दीगर कई शहरों में भी ईरानी हुकूमत के खिलाफ और महसा अमीनी के हक में एहतजाजी मुजाहरे किए गए हैं। ट्रूडो ने मुजाहरीन से खिताब के अख्तिताम से पहले फारसी जबान में नारे भी लगाए और मुक्का भी लहराया। उनका कहना था, हम आपके साथ खड़े होंगे, मैं आपके साथ मार्च करूंगा, मैं आपके हाथ पकड़ कर रखूंगा और इस खूबसूरत कम्युनिटी के साथ खड़े रहेंगे। कनाडा के वजीर आजम की अहलिया ने भी इस मौके पर मुजाहरीन से खिताब किया। उनका कहना था, मैं आपके साथ खड़ी हूं क्योंकि जब एक खातून को उसका हक देने से इनकार किया जाता है तो ये सब खवातीन की तौहीन की जाती है। अब हम में से किसी बहन को पीछे नहीं छोड़ेंगे। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो शहर के लिए फॉग एडवाइजरी जारी की गई है जबकि शहर में बारिश का भी इम्कान जाहिर किया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इन्वायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो शहर के लिए फॉग एडवाइजरी जारी की गई है जबकि शहर में बारिश का भी इम्कान जाहिर किया गया है। धुंध के लिए जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि शदीद धुंध के सबब हद निगाह जीरो के करीब तक पहुंच सकती है। इन्वायरमेंट कनाडा की जानिब से कहा गया है कि कुछ मकामात पर हद निगाह कम होने की वजह से सफर के खतरनाक होने की तवक्को है। अगर ड्राइविंग के दौरान हद निगाह कम हो जाए तो अपनी लाइट्स ऑन करें और महफूज फासला बरकरार रखें। माहौलियात कनाडा ने बारिश के 60% इम्कान के साथ धुंध और मुमकिन तौर पर भीगने वाली हॉलोवीन शाम की पेशगोई की है।
शाम के दौरान दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाएगा। माहरीन का कहना है कि कम दबाव के निजाम के सबब शहर में हल्की बारिश मुतवक्के है, जबकि बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। हेलोवीन की सुबह टोरंटो में धुंध के साथ शुरू होगी। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से ब्रैम्पटन, मिसिसागा, वॉन और ओशावा में हेलोवीन की रात के लिए इसी तरह की पेशन गोई की गई है, जबकि दर्जा हरारत 9 सेंटीग्रेड और 11 सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा। बर्लिंगटन और हैमिल्टन के ऊपर GTA के जुनूब मगरब में ज्यादा इम्कानात के साथ मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। ऑन्टेरियो के वजीर तालीम सूबे में कानून साजी मुतारिफ कराने का इरादा रखते हैं, जिससे इमदादी अमले की हड़ताल को टाला जा सकेगा। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऑन्टेरियो के वजीर तालीम सूबे में कानून साजी मुतारिफ कराने का इरादा रखते हैं, जिससे इमदादी अमले की हड़ताल को टाला जा सकेगा और उन पर मुआहदा नाफिज किया जाएगा, जबकि यूनियन ने कहा है कि वो लड़ने के लिए तैयार हैं। स्टीफन लीक्स का यह ऐलान कैनेडियन यूनियन ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयज, जो तकरीबन 55,000 तालीमी कारकुनों की नुमाइंदगी करती है, के ऐलान के चंद घंटे बाद सामने आया है कि वो जुमे को मुकम्मल हड़ताल शुरू करने के लिए मतलूबा 5 दिन का नोटिस दे रही है। वो जुमेरात को कानूनी हड़ताल की पोजीशन में होंगे। वजीर तालीम का कहना है कि क्यों हड़ताल करने के अपने इरादे को वापस लेने से इनकारी है। क्लासों को बंद करने से बचने के लिए हमारे पास कुल कानून साजी करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा, जो इस बात को यकीनी बनाएगा कि तलबा अपनी तालीम हासिल करने के लिए क्लास में रहे। उनका कहना था कि हुकूमत $40,000 से कम कमाने वाले कारकुनों के लिए सालाना 2% और बाकी तमाम के लिए 1.25% इजाफे की पेशकश कर रही थी, लेकिन नई डील $43,000 से कम कमाने वाले कारकुनों को 2.5%, जबकि बाकी सबके लिए 1.5% सालाना इजाफा देगी। क्योप सालाना तनख्वाहों में 11.7% इजाफे के साथ साथ मामूल की तनख्वाह की शरह से दुगना ओवरटाइम, तालीमी मुआवनीन और ECEs के लिए 30 मिनट का अदा शुदा प्रेप टाइम फी दिन, फवायद में इजाफा और तमाम कारकुनों के लिए पेशा वराना तरक्की का मुतालबा कर रहा है। क्योंकि के ऑन्टेरियो स्कूल बोर्ड्स काउंसिल ऑफ यूनियंस के सदर ने कहा कि हुकूमत का ये इकदाम सिर्फ सबसे कम तनख्वाह वाले तालीमी कारकुनों पर हमला नहीं है, बल्कि आम तौर पर मजदूरों पर हमला है। ये एक ऐसी हुकूमत है जो कारकुनों के लिए काम नहीं कर रही, और ये वाजे है। रूस ने क्रीमिया में बहरी जहाजों पर हमलों के बाद यूक्रेन की बंदरगाहों से ज़रई पैदावार बरामद करने के लिए अक्वामे मुत्तहिदा की सालसी का मुहायदा मौत्तल कर दिया। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। रूस ने क्रीमिया में बहरी जहाजों पर हमलों के बाद यूक्रेन की बंदरगाहों से ज़रई पैदावार बरामद करने के लिए अक्वामे मुत्तहिदा की सालसी का मुहायदा मौत्तल कर दिया, जबकि अक्वामे मुत्तहिदा का कहना है कि यूक्रेन से अनाज बरामद करने के मुहायदे के तहत अनाज बरामदगी का सिलसिला जारी रहना चाहिए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूसी वजारत दिफा का कहना है कि यूक्रेन की अफवाज ने ड्रोन की मदद से बुहिरा अस्वद के बहरी बेड़े से क्रीमिया के सबसे बड़े शहर सेवास्तोपोल पर हमला किया है। बुहिरा अस्वद में रूसी बेड़े पर हमले के बाद सिविलियन शिप्स के तहफ्फुज की जमानत नहीं दे सकते। वजारत ने एक बयान में कहा है कि यूक्रेन हुकूमत की जानिब से इस दहशतगर्दी की कार्रवाई को मद्देनजर रखते हुए रूसी फरीक ने यूक्रेनी बंदरगाहों से जरई मसनूआत की बरामद के मुहैदों पर अमल दरामद और इसमें शिरकत को मुअत्तल कर दिया है। वाज़ेह रहे कि रूस और यूक्रेन के दरमियान अक़वामे मुत्तहिदा और तुर्की की सालिसी में होने वाले अनाज मुहैदे में 22 मिलियन यूक्रेन के अनाज की बरामद की राह हमवार की, जो बुहिरे अस्वद की 3 बंदरगाहों में फंसे हुए थे। ये मुहायदा अगले माह खत्म होना था। यूक्रेन से अनाज बरामद करने के मुहायदे में अक्वामे मुत्तहिदा के कोऑर्डिनेटर ने अपने जारी करदा बयान में कहा कि सिविलियन कार्गो शिप फौजी अहदाफ का निशाना नहीं बन सकते और ना ही उन्हें यरगमाल बनाया जा सकता है। रूस की जानिब से मुहायदे से दस्तबरदारी के बावजूद मस्कूरा मुहायदे के तहत यूक्रेन से अनाज बरामद करने का सिलसिला जारी रहना चाहिए। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडेन ने रूस की जानिब से यूक्रेन की बंदरगाहों से अनाज की बरामद का मुहायदा मुअत्तल करने पर बरहमी का इजहार किया और इसे इश्तियाल अंगेजी करार दिया और कहा कि इससे भूख का सामना करने वाले अफराद की तादाद में इजाफा होगा। भारत के शहर मोरबी में दरिया के ऊपर तारों से बना हुआ 140 साल कदीम पुल मरम्मत के 5वें रोज अचानक गिर गया, जिसके नतीजे में 141 अफराद हलाक हो गए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारत के शहर मोरबी में दरिया के ऊपर तारों पर बना हुआ 140 साल कदीम पुल मरम्मत के 5वें रोज अचानक गिर गया, जिसके नतीजे में 141 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकया उस वक्त पेश आया जब 500 से ज्यादा शहरियों ने एक साथ पुल के जरिए दरिया उबूर करने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस में देखा जा सकता है कि केबल पुल दरिया के बीचों बीच गिरा हुआ है और चंद मुसाफिर टूटे हुए पुल पर खड़े हैं, जबकि बाकी अफराद भी टूटे हुए पुल से
आहिस्ता आहिस्ता उतर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रियासत गुजरात के मोरबी जिले में मच्छू दरिया पर कायम 140 कदीम पुल को मुरम्मत के बाद 5 दिन कबल दोबारा आवाम के लिए खोला गया था। पुल टूटने के नतीजे में अब तक 141 अफराद हलाक हो चुके हैं जबकि 177 को बचा लिया गया है। हुकाम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वाकये की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये पुल सैर व तफरी का मरकज था जिसे मखदूश हालत की वजह से बंद किया गया और फिर उसकी मुरम्मत की गई थी। मरकजी और रियासती हुकूमत ने वाकये में हलाक होने वाले शहरियों के लवाकीन को फीकस 6 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान किया है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। News are precise and effective.